Good morning class 5 and welcome to your in online mathematics classes. As you all know that we are discussing and going through chapter 6, okay, in which we have lastly discussed about number pattern, okay, pattern and number pattern, okay. Next we will discuss today, that is nets, okay. So before discussing, let me tell you what is nets. So aap logon ne dekhi 2D और 3D शेप्स के बारे में सुना होगा, है ना। जैसे 2D शेप अगर हम ड्रॉ करें तो व्हाट इट कैन बी कॉल्ड, है ना। इसको हम एक स्क्वायर या एक इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, है ना। तो इसी मान लीजिए स्क्वायर हमें या रेक्टेंगल या क्यूब या क्यूबॉइड बना सकते हैं, है ना। पहले क्या था, एक स्क्वायर था, लेकिन इससे हमने क्या बना दिया, मान लीजिए क्यूब बना दिया, ठीक है। अगेन इट वॉज क्यूब, हमने इसको क्या बना दिया, एक स्क्वायर था, ये क्यूब बन गया, यानी इसका क्यूब स्क्वायर से फॉर्मेशन क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्यूब इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट्स, मतलब कन्वर्टिंग अ 2D shape to a 3D shape is called net। यानी किसी 2D shape को 3D shape में convert करना ही क्या कहलाता है, nets कहलाता है, ठीक है। यानी एक square था, हमने इसको किसमें convert कर दिया, cube में convert कर दिया। यहाँ पे केवल देखिए क्या इसका breadth और length था, है ना। यहाँ पे केवल इसका breadth था, यानी लेंथ और क्या था, ब्रेथ थी, लेकिन यहां पे ब्रेथ लेंथ और हाइट तीनों है। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, यहां पे इसके तीनों है, यानी इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड और 3D शेप, और जिसके केवल लेंथ और ब्रेथ रहते हैं, दैट इज अवर 2D शेप, है ना। तो कंपैरिजन आप समझ ही होंगे कि फ्रॉम 2D टू 3D इज कॉल्ड नेट्स, ठीक है। अब ये जो था हमारा एक क्यूब था, अगर हम ये स्क्वायर ड्रॉप लिए होते, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉप लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है, लेकिन क्यूब की जगह अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ करना चाहें, थोड़ा सा स्पेस में रब करना पड़ेगा। चलिए देखिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर रहे थे, यहां आपको क्या मिला, लेंथ ब्रेथ शेप कैसा, 2D। इसी रेक्टेंगल को पहले हमने क्यूब ड्रॉ किया था, अब अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ करना चाहें, तो इसमें भी क्या सेम आइडिया है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, है ना। तो ये कौन सा शेप है, 3D शेप। तो पहले ये क्या था, रेक्टेंगल था, अभी क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना। नाउ इट्स बिकम क्यूबॉइड। तो किसी भी 2D शेप को आप अगर 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं एनी हाउ, है ना, या इसका फेस चेंज करके, या इसको फोल्ड करके, या किसी भी वे में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी कन्वर्जन को, उसी फॉर्मेशन को, उसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट्स, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट नेट्स। अब पेपर में आप देखिएगा कैसे फोल्ड करके, आप पेपर को कट करके एक क्यूब से क्यूबॉइड बनाएंगे, या किसी शेप को कैसे आप ड्रॉ करके, कॉपी मान लीजिए ड्रॉ करते हैं किसी को, जैसे आपने बनाया, तो पहले मैंने इतना बनाया कि क्या था, केवल एक स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, इसी को मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया, तो ये 3D 2D से क्या हो गया, 3D में हो गया, ठीक है। तो बस ऐसी शेप्स को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है किसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपको जो है साइज
6.4 है जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करना है। सो जस्ट कंप्लीट योर वर्क, सी यू टुमारो, थैंक यू।